हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इंडियन इकॉनमी ग्रो एट 8.4% इन अक्टूबर 2021। नॉमिनल जीडीपी ग्रो बाय 17.5%। द जीडीपी इंक्रीज टू रुपीज 35,73,451 करोड़, वेयर एज इट वाज रुपीज 35,61,530 करोड़ इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ ईयर 2020। ये ग्रोथ हमारे को बहुत बूस्ट करती है टू एवरी इंडियन सिटीजन। और ये भी जो ग्रोथ है दैट इज ऑन द कॉस्ट ऑफ 5% इन्फ्लेशन ओनली, वेयर एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज स्ट्रगलिंग विद एन इन्फ्लेशन रेट ऑफ 7% और नियर टू 6.5, इन बिटवीन 6.5 to 7%। सो इतनी महंगाई को कंट्रोल करके ये ग्रोथ वापस ला पाना, दैट इज ए वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। दूसरी बात, कोविड या उसका नया वर्जन ओमिक्रॉन इज स्प्रेडिंग इन ए बिग वे। इसको स्प्रेड होने के लिए सबसे जो आवश्यक चीज है वो है कहीं पे भी किसी की भी बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। अगर विटामिन डी की कमी है तो ये बहुत जोर से और बहुत जल्दी इम्पैक्ट करता है। तो अपना विटामिन डी का टेस्ट करवाएं, चेक करवा लें। अगर कहीं डेफिशिएंसी है तो विटामिन डी का डोज अवश्य ले लें, और उससे क्या है, देन देयर विल बी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ कि हम लोग ओमिक्रॉन से बच पाए। ये एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगी इन अवर फेवर। ओके, लेट्स बैक टू अवर टॉपिक। लास्ट वीक निफ्टी का जो ट्रेंड डिसाइडर था दैट वाज व्हाट, 17,386 एंड 17,373। ये 13 पॉइंट का गैप है। यू कैन मेक इट ए इवन बिगर आल्सो, आप 30 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस कर सकते हैं। यहां से उसने बाय किया और विदाउट इवन ए सिंगल स्टॉप लॉस रीच टू द लेवल ऑफ रेजिस्टेंस 2, और रेजिस्टेंस 2 को क्रॉस करने के बाद देन इसने सपोर्ट ली, फिर उधर सपोर्ट 2 पर थोड़ा ऊपर जाने के बाद दोबारा सपोर्ट ली, और उसके बाद जो रैली की दैट रैली वाज मार्च्ड टू नॉर्थवर्ड, मार्च टू रेजिस्टेंस 3। रेजिस्टेंस 3 के बाद वहां पर जाकर प्राइस रुका, अगले दिन उसका फॉल हुआ, फिर कहां पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट कहां पर लिया, दैट वाज ऑन रेजिस्टेंस 2 ओनली। तीन बार इसने उसी लेवल पर सपोर्ट लिया और दोबारा मार्च करता हुआ देन इट रीच टू द लेवल ऑफ रेजिस्टेंस 3, और रेजिस्टेंस 3 से फिर दोबारा एक गिरावट नियर टू द रेजिस्टेंस 2 एंड देन मार्च्ड नॉर्थवर्ड अगेन और सेटल्ड एट द क्लोजिंग इन बिटवीन द रेजिस्टेंस 3 एंड रेजिस्टेंस 2। तो जो ट्रेंड डिसाइडर दिया गया वहां से सीधी जर्नी रेजिस्टेंस 3 की। तो एक ही स्लोगन यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि पेशेंस इज द नेम ऑफ द गेम। एक एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा यहां पर अंबुजा सीमेंट का। अंबुजा सीमेंट ने भी ट्रेंड डिसाइडर से अपनी जर्नी चालू की और देन इट रीच टू द फाइनल रेजिस्टेंस, लेकिन उस फाइनल रेजिस्टेंस से भी वो थोड़ा ऊपर चला गया। तो उसको कैसे हम लोग किसी दूसरे टूल से मैनेज कर सकते हैं, आप जो लास्ट स्विंग है उसके ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट करें और आप देखेंगे जो फाइनल टॉप फॉर्म किया है दैट इज ऑन नथिंग बट 0.618, ये लिटिल अप 0.618 एग्जैक्ट, दैट वाज 401 रुपीज 45 पैसा, और इसका जो टॉप है दैट वाज 401 रुपीज 95 पैसा, अ डॉट ऑन इट। तो जो आपका लेवल्स प्रोवाइड किए गए उस लेवल से ऊपर गया, बट दैट वाज वन मोर पॉइंट, दैट वाज 61.8% रिट्रेसमेंट ऑफ द लास्ट स्विंग और लास्ट मूव। सो दिस वे आप अपना खुद का टूल बनाएं। इट्स नॉट, दिस इज नॉट एनी रिकमेंडेशन ऑफ बाय और सेल और एनी ट्रेडिंग सिस्टम। यू डेवलप योर ओन सिस्टम, दिस इज ओनली फॉर द रेफरेंस। व्हाई द रेफरेंस? बिकॉज वंस एनीथिंग इज एक्सप्लेन्ड ऑन द एकेडमिक पर्पस ग्राउंड्स देन देयर शुड बी ए डेमोंस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दैट स्टडी आल्सो। सो कुछ सालों से आई एम ट्राइंग टू डेमोंस्ट्रेट जो पढ़ाया जाता है
उसको अप्लाई भी किया जा सकता है केवल इसी टारगेट के साथ बाय कीप पोस्टिंग द डिफरेंट वीकली लेवल्स एवरी वीक जस्ट टू मेक ए पॉइंट दैट जो हम स्टडी करते हैं वो अप्लाई भी किया जा सकता है। इस बार के वीकली लेवल्स रेडी हैं और प्रभु कृपा से आई एम गोइंग टू पब्लिश इट। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि हमने जो अभी पीछे फेड के डिसीजन को देखा, मैं पिछले लगभग एक दो महीने से कह रहा हूं कि यूएस के अंदर इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। पहले देवर डूइंग द प्रेयर कि काश हमारा इन्फ्लेशन बढ़ पाए, लेकिन अब जब बढ़ा तो वो इतनी स्पीड से बढ़ा दैट इट हैज रीच नियर टू 6.5 and 7%, और वहां तक वो पहुंच गया तो देन दैट बिकम ए बिग प्रॉब्लम फॉर देम। तो अब उसको रेमेडी करने के लिए देन दे आर थिंकिंग ऑफ टैपरिंग, दे आर थिंकिंग ऑफ नॉट बाइंग द बॉन्ड्स इन ए सच ए बिग वे, एंड दे आर इवन कैन थिंक अबाउट इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट ऑल्सो। तो ये एक इस समय उसको एड्रेस करने की वहां के सेंट्रल बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री या कॉमर्स मिनिस्ट्री दे आर ट्राइंग टू एड्रेस दैट ऑल। और आज अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन, इंडिया आप डिफरेंस पहले समझे कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री और देन अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री, वहां पर 1-2% भी इन्फ्लेशन होना बहुत बड़ी बात है। There is always a relation between inflation rate and the interest rates. तो ये आपस में even 2% का तो एक spread माना जाता, theoretically एक spread माना जाता है 2% का। तो वहां पर जहां पे interest rate is somewhere near to 1.5%, वहां पे inflation का 7% या 6.5% के आसपास पहुंच जाना is a real alarming thing। और इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो इन्फ्लेशन इज नियर और बिलो 5%, और जो हमारे फिक्स डिपॉजिट के अंदर इंटरेस्ट रेट है दैट इज आल्सो नियर टू 5%। स्प्रेड नहीं है लेकिन फिर भी देन जितना इंटरेस्ट रेट है उतना ही इन्फ्लेशन है, तो कम से कम हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में है। न्यूज़लेटर के शुरू में कहा कि इंडिया का जो इन्फ्लेशन है और इंडिया का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम से कम कंफर्टेबल है, स्प्रेड नहीं है फिर भी मैनेजेबल है। लेकिन अगर अमेरिका की बात करूं जो पिछले मैं 2-3 महीने से कह रहा हूं कि वहां का इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसको कम से कम कंट्रोल करने के लिए दे शुड कम आउट, सेंट्रल बैंक शुड कम आउट विथ सम थेरेपी और सम रेमेडी। तो लेकिन जो एक येलेन का जो स्टेटमेंट था कि हम सप्लाई साइड इतनी बढ़ा देंगे कि उससे इन्फ्लेशन विल बी अंडर कंट्रोल, तो वो कितनी देर में हो पाता है, मेरी आज भी यही प्रेयर है कि या यही विश है कि जो येलेन कह रहे हैं वो बात सही हो जाए, एकदम सही हो जाए और सप्लाई साइड इतनी बढ़ जाए कि वो डिमांड से कहीं ज्यादा ऊपर निकल जाए ताकि वहां का इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो सके और ग्रोथ भी इंटैक्ट रह सके। लेकिन एक बात फिर भी मैं कहूंगा कि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए ग्रोथ को डेंट करना पड़े तो वो एक सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन वही होगा कि इन्फ्लेशन को भी कम किया जाए और ग्रोथ को भी मेंटेन किया जाए, दैट विल बी द रियल रेमेडी। विद दिस आई विश यू ए गुड लक, गुड बाय, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम माय कोर ऑफ द हार्ट।